स्ट्रीट बस न्यूज रियल टाइम। बाढ़ अनुमंडल में कोरोना का विस्फोट हुआ। 6 दिनों में 150 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले। बाढ़ अनुमंडल में इसकी संख्या बढ़कर 430 हो गई है। बाढ़ में खुद लोगों ने 22 जुलाई को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में 96 लोगों ने कोरोना का जांच करवाया, जिसमें 36 पॉजिटिव मिले। 23 जुलाई को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में 96 लोगों ने कोरोना का जांच करवाया, जिसमें 38 पॉजिटिव मिले। 24 जुलाई को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में 90 लोगों ने कोरोना का जांच करवाया, जिसमें 26 पॉजिटिव मिले। 25 जुलाई को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में 53 लोगों ने कोरोना का जांच करवाया, जिसमें 24 पॉजिटिव मिले। बीते शनिवार को बख्तियारपुर PHC में 54 लोगों के लिए गए कोरोना जांच सैंपल में 9 स्वास्थ्यकर्मी समेत 17 का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में 88 व्यक्तियों का हुआ रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 पॉजिटिव मिले। बाढ़ PHC रानाविगहा में 30 व्यक्तियों का हुआ रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 पॉजिटिव मिले। मोकामा में 15 लोगों की जांच की गई, जिसमें 1 पॉजिटिव मिले। अथमलगोला PHC में एंटीजन किट के द्वारा कोरोना जांच शुरू। अब तक 7 लोगों के सैंपल जांच में सभी रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं NTPC बाढ़ में पुलिसकर्मियों के संक्रमित की संख्या बढ़कर 12 हो गई। NTPC बाढ़ में 1 चालक, 1 हवलदार, 1 चौकीदार सहित महिला आरक्षी 9 सिपाही कोरोना संक्रमित हुए। बाढ़ अनुमंडल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 430 हुई। मोकामा के 11, बख्तियारपुर का 30, बाढ़ में 323, जिसमें 2 की मौत, NTPC में 4, अथमलगोला में 30, बेलछी में 9, जिसमें 1 की मौत, 14 पॉजिटिव भंडारक प्रखंड का पाया गया। ब्रजकिशोर पिंकू की रिपोर्ट।